हे गाइस, मैं हूं मेघा। आप देख रहे हैं मेघा टिप्स एंड न्यूज। आज था बिग बॉस का एपिसोड नंबर 15। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन हिट करना। अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना। आज के डे में रोमिल और सुरभि राणा की एंट्री हुई, जो वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। निर्मल चले गए और रोमिल फिर से वापस आए हैं सुरभि के साथ जोड़ी बन के। सुरभि को हमने पहले भी देखा है, जो आउट हाउस में थी वहां पे हमने देखा है। उन दोनों ने एक साथ एंट्री की और बहुत सारी चीजें सुरभि को पता है, तो सुरभि उन चीजों के बारे में कमेंट कर रही थी। ये तो किसी की माँ दीपिका के ऊपर, दीपिका सबकी टारगेट है अभी, ये सुरभि की भी टारगेट ही रहेगी। ये तो हमें पता ही चल चुका है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की कुछ है, सबको अपने अपने आगे रखती है, सबको खुद एडवाइस करती है और किसी को ऊपर आने नहीं देती है। ऐसे रोने का एक्टिंग कर रही थी सुरभि, रोने की एक्टिंग कर रही थी, ऐसा रोती है। गुलाब के टास्क में कैसे रोई थी, मुझे ऐसे किया, कंप्लीट बहू टाइप है ये। यानी कि अब पता चला है हमें, जोड़ियों को दीपिका पहले से ही पसंद नहीं थी, अभी तो सुरभि को भी पसंद नहीं आ रही है। और दूसरी बात यह है कि सबको श्री ज्यादा पसंद है, सब लोग श्री को ज्यादा पैम्पर करते हैं। और एक मेंबर नया आया है सुरभि, वो भी श्री को पैम्पर ही करने वाली है। श्री, आप हम मुझे बहुत पसंद हो, पहले मैच से पसंद हो, ऐसा नहीं है, मुझे आप जो हो तो बहुत अच्छे लगते हो। जाके वो मस्का करती है या रियल में बताती है पता नहीं, लेकिन जाके करती है उधर। और आज का एपिसोड स्टार्ट हुआ वही दीपक की चुगलियों से। दीपक ने चुगलियां की थी, जो दीपिका और नेहा ने कुछ बातें की थी श्री के बारे में, श्री ऐसे क्यों करता है। कोई भी करेगा यार, उसको लेट गो करना चाहिए, श्री ऐसे क्यों करता है। हाँ, बहुत बार उसने कुछ कुछ चीजें की है, उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे श्री भी लेके ही बैठा है। और दीपक को तो यहाँ थोड़ा वहां थोड़ा पहले से वही करता है और खुद की वो इमेज खराब कर देगा इसमें। उसने आके बोला है कि दीपिका ने, नेहा ने बोला था, ऐसे वैसे बोला था आपको। तो पहले ही श्रीशांत कल वाले टास्क के, वो मानसिक क्षमता वाला टास्क जो हुआ था, करण पटेल आए थे उस, वो टास्क की वजह से बहुत ही नाराज है नेहा से। और ये बात बताने की वजह से वो दीपिका से भी नाराज है। तो करणवीर सृष्टि और श्रीशांत का एक ग्रुप बना है और दीपिका और नेहा, वैसे तो नेहा जाके में सोमिया आके नेहा को, सॉरी दीपिका को बताती है कि दीपक ने जाके श्री को बता दिया है कि ऐसे ऐसे हुआ है, आपने उनके बारे में कुछ बोला है, करणवीर को भी बहुत बुरा लगा है। दीपिका जाके क्लियर कर देती है, मैं दोगली नहीं हूं, मैंने ऐसा नहीं किया, और कुछ कुछ बोल देती है। फिर नेहा को आके बोलती है कि नेहा उस श्री को लगता है मैंने नहीं बोला, मैंने बात क्लियर की है, तो वो दूसरे बात करने वाली नेहा ही होगी। तो नेहा भी जाके सॉरी बोलती है, कल के बातों पे सॉरी बोलती है, मैंने मुझे आपको हर्ट करना नहीं था, मुझे जो दिखा वो मैंने बोला है, लेकिन आप हर्ट हुए हैं तो आपका दिल दुखाना नहीं था मुझे, अगर आपका दिल दुखा है तो सॉरी बोल देती है और चली जाती है। फिर उसके बाद जो श्रीशांत बोल रहा था वो बिल्कुल ही गलत था, इसके बारे में मुझे बहुत कुछ पता है, अगर मैं कल ये बोल देता तो वो रो देती, वो दीपिका को ये बोल देता है। दीपिका को भी बोलना चाहिए था, आप ऐसे बोल नहीं सकते किसी के बारे में, पर्सनल नहीं हो सकते। कल करण ने भी कुछ नहीं बोला और दीपिका ने, ये श्री अभी इरिटेट कर रहे हैं। अगर उसके बारे में बहुत कुछ है बोलने के लिए, नेहा के बारे में बहुत कुछ है श्रीशांत के पास बोलने के लिए, तो श्रीशांत के बारे में तो बहुत कुछ है ही बोलने के लिए। और नेहा इतनी स्ट्रांग है कि वो तो रोएगी बिल्कुल नहीं श्री की बातों से, बिल्कुल भी नहीं रोएगी, उल्टा श्री रोएंगे, ये हम सबको पता है। तो उसे तो ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, वुमन्स रिस्पेक्ट वाली या किसी की दिल दिखाने वाली या पर्सनल चीजें करनी ही नहीं चाहिए। अगर सलमान और बिग बॉस ऐसे ही पैम्पर करते रहेंगे, पहले ही एक गेम ऐसे हो चुका है, पूरा श्रीशांत के ऊपर ही है, हर कोई जाता है श्रीशांत को मस्का लगाता है, श्रीशांत को मनाता है, उसे एडवाइस करता है, उसे चुगलिया करता है, पूरे गेम में वही एक दिखता है कि श्रीशांत को सब समझा रहे हैं, वो टास्क नहीं करता, फिट नहीं रहता, किसी के साथ अच्छे से बात नहीं करता, फिर भी पूरा फुटेज श्रीशांत ही लेके जाता है। अगर और सलमान और बिग बॉस उसे फेवर करेंगे तो वो और ज्यादा फायदा उठाएगा, उसको ज्यादा खुद पे घमंड हो जाएगा, और पहले से ही है और ज्यादा घमंड हो जाएगा, और वो कुछ तो गलत कदम उठा सकता है। फिर दीपक जाके बोलता है वो चंगू मंगू बोलते हैं सब लोग, सबा और सोमी को, चंगू मंगू ने जाके दीपिका को बताया है।
तो श्रीशांत बोलता है अब ये बस कर, अगर तुझे मेरा दोस्त बनना है तो पिछली बातें मत निकाल, दीपिका ने मुझे आके क्लियर किया है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना है। ये दीपक भी ना सुनना नहीं है फिर भी वो सब निकाल निकाल के सुनाता है। और फिर शिवाशीष के बारे में भी श्रीशांत बोल देता है, अगर हम दोनों के बारे में किसी ने कुछ बोला है हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्यों प्रॉब्लम है, आप मत बोलो कुछ, ऐसे श्रीशांत बोलता है। फिर थोड़ा सा दीपक को बुरा लगता है, हम क्लियर करेंगे वैसे करेंगे बोल के चला जाता है वो। इधर जसलीन के बारे में भी रोमिल ने कुछ तो बात की होती है, टॉन्ट्स करता है जसलीन को रोमिल की। शिवाशीष और जसलीन अंदर बाथरूम में बैठे थे 2 घंटे, क्या बात कर रहे थे, अब तो इधर ट्रायंगल बनने वाला है। और ये बात जसलीन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो शिवाशीष को आके बोल देती है रोमिल ने ऐसे बोला था, तो रोमिल आके बोलता है मेरा ये इंटेंशन नहीं था, वो इंटेंशन था। जो बोलने का क्या इंटेंशन था उसको ही पता था शायद रोमिल को, रोमिल को एक्सप्लेन भी करने नहीं आया। और जसलीन ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, अगर मैं आपके साथ 2 घंटे बात करूंगी, आपकी शादी नहीं हुई थी, आपका और मेरा भी कुछ है ऐसा समझेंगे क्या आप, तो आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। और आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, हाँ मुझे पता है आप दोनों कर रहे थे बातें, ऐसे कर रहे थे वैसे कर रहे थे, आपको क्यों इतना प्रॉब्लम है, हम क्या बात कर रहे थे उससे, जसलीन अच्छे से बोलती है वहां पे। फिर जाके रोमिल नेहा के साथ बात करता है, नेहा को बोलता है आप जैसे है वैसे खेलो, अगर नेहा भी बोलती है हाँ मैंने सॉरी तो बोल दिया है, अगर सामने वालों को मेरी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है तो मैं बार बार सॉरी नहीं बोल सकती, यहाँ तक ही मैं सॉरी बोल सकती हूँ, अगर आपको मेरे साथ बात ही नहीं करनी है तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, ऐसे बोल के नेहा चुप हो जाती है। रोमिल बोलता है आपकी तरफ से मैं कुछ बात करूँ क्या श्री भैया से, तो नेहा बोलती है नहीं नहीं ये तो बहुत बुरा हो जाएगा क्योंकि अभी पहले से ही बहुत ज्यादा हो चुका है। और दीपिका को भी आके नेहा एक बहुत अच्छे से बात बोल देती है, अगर हमारी फ्रेंडशिप है हमने एक दूसरे को कुछ बोलना है तो मैं आपको हर्ट कर सकती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई बाहर का आके आपको मेरे बारे में कुछ बोले वो हर्ट करे या वो कुछ बोले, ऐसा नहीं है, हम दोनों में बॉन्डिंग है तो मैं ही तुम्हें हर्ट कर सकती हूँ, ये सिर्फ मेरा हक है। और एक करेक्ट बोली थी नेहा, और उसके बारे में सुशांत ने थोड़ा सा लाइटली लेना चाहिए था। और सृष्टि को भी नेहा से प्रॉब्लम है, जो कुछ बोला था नेहा और दीपिका ने सृष्टि के बारे में, वो सुनने बाद सृष्टि को भी कुछ भी स्पोर्टिंगली लेने नहीं आता है, हमने पहले ही सुना है, पहले भी सुना है वो गुस्सा हुई थी। और वो नेहा को नेहा बोलती है अगर सृष्टि तुम्हें मेरे से प्रॉब्लम है तो तुम दीपिका से गुस्सा मत हो जाना, मैंने ये बात बोली है ये बात तुम्हें पता है, तुम मेरे से गुस्सा हो, अगर उसने सुना है तो उसमें उसकी कुछ गलती नहीं है। तो सृष्टि बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरा और दीपिका का अलग रीजन है, वो जेन्युइन रीजन है, अभी सृष्टि को सबके साथ क्या प्रॉब्लम है पता नहीं है। ऐसा वही सिंगल्स की टीम में दरार तो आ गई है, ये तीनों एक साइड है और नेहा दीपिका अलग साइड है, ये तो हमें पता चला है। फिर आता है नॉमिनेशन टास्क, नॉमिनेशन टास्क बहुत ही इंटरेस्टिंग था, इसमें किडनैपर थे सिंगल्स, एक्चुअली जोड़ियों के ऊपर थोड़ा सा अन्याय ही हुआ था क्योंकि किडनैपर्स बने थे सिंगल्स, और सिंगल्स को उनको बोलना था उन्हें क्या करना है, किडनैप करके उनके लिए उस दूसरे पार्टनर को छुड़वाने के लिए क्या करना है। अनूप जलोटा को पहले ही किडनैप करवाने का मौका दिया दीपिका को, दीपिका ने अनूप जी को किडनैप किया और जसलीन को बोल दिया आपके शोल्डर तक के हेयर कट कट कर दो और पूरे ड्रेस मेरे हवाले कर दो, मेकअप भी डिस्ट्रॉय करना है, ड्रेसेस भी डिस्ट्रॉय करने हैं, तो हाँ बोल देती है पहले जसलीन, सब लोग बहुत अप्रिशिएट हो जाते हैं, सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, बाद में वो बहुत रोती है ऐसे नहीं मैं क्या करूँगी, मेरा फिटिंग नहीं है, मम्मा के पास मैं नहीं रह सकती, बहुत रोती है। उधर अनूप जी भी बहुत, अनूप जी को बुरा लगता है जसलीन इतना प्यार कपड़ों के लिए, जसलीन इतना प्यार कपड़ों के लिए, इसके ये बात इस बात पे वो गुस्सा हो जाते हैं। और बार बार दीपिका को भी बोलते हैं देखो कितना प्यार है जसलीन को कपड़ों से, दीपिका भी बोलती है कि मैंने बहुत ज्यादा ही बोला है क्योंकि मुझे जो लगता था मैं नहीं कर सकती वही अगर कपड़ों के बारे में होता तो मैं भी एक बार सोचती और वही चीज मैंने उसको बोली है, शायद वो भी सोचेगी ऐसे बोला था दीपिका ने, फिर भी अनूप जी को गुस्सा आता है। एक्चुअली उन दोनों का प्यार कुछ पता नहीं चलता, हमें तो पहले ही पता है, पहले दिन से पता है, इनफैक्ट प्रीमियर में भी हमने देखा था कि जसलीन बिल्कुल कुछ सैक्रिफाइस नहीं करती, वो तोप वाली सलामी भी अनूप जी ने ली थी, टॉर्चर के टाइम पे भी बिल्कुल नहीं बोला था जसलीन ने कि मैं इनकी तरफ से कुछ करूंगी या इनको ये नहीं होगा। और फाइनली कल जैसे सिचुएशन आएगा रोमिल और निर्मल जैसे, तो मुझे नहीं लगता जसलीन बिल्कुल भी अनूप जी के लिए कुछ सेक्रीफाइस करेगी, उल्टा अनूप जी करेंगे। लेकिन आज मुझे थोड़ा अनूप जी का भी गलत लगा, अगर अनूप जी भी बोल देते ठीक है जसलीन को नहीं करना था,
अगर जसलीन तुम कर भी देती तो मैं तुम्हें मना कर देता, अगर तुम करने के लिए रेडी हो जाती तो मैं तुम्हें मना कर देता, ये बोलते तो अनुप जी भी बड़े हो जाते और जसलीन भी सबके दिलों में घर कर जाती। जब उसने वो बात मानी होती, रियल में वो सब कपड़े ला के डिस्ट्रॉय कर रही होती या किए होते उसने, तो सबको अच्छा लगता। अगर हेयर कट तो शोल्डर तक की करना था, क्योंकि शोल्डर तक तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके भी थोड़े से लंबे बाल है, या फिर नेगोशिएट में भी वो थोड़ा सा कम पड़ गई, उस वो बातों में थोड़ा सा कम पड़ गई। नेगोशिएशन में दीपिका भी कुछ सुन नहीं रही थी और इसकी वजह से ये अनुप जी और जसलीन नॉमिनेट हो जाते हैं। तो नेहा आके समझाती है अनुप जी को, बहुत रोई है वो, बहुत ही रोई है अनुप जी, आप उसको फिर से कुछ मत बोलना, अगर नॉमिनेट हुई है तो वो खुद भी नॉमिनेट हुई है आपके लिए, या खुद के लिए खुद भी हुई है और आपको भी किया है उसने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको किया है। तो अनुप जी ठीक है बोल के बाहर आते हैं, फिर भी अनुप जी के मन में गुस्सा है। और सब लोग आके श्रीशांत को, करणवीर को बोलते हैं बहुत ज्यादा मांगा है, सोमी सबा सब लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा मांग रहे हैं ये, बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, कितना मीन हो रहे, हमें बोल रहे थे मीन मीन और खुद कितना मीन हो रहे। तो श्रीशांत बोलता है अरे हेयर कट तो शोल्डर तक बोला है ना, गंजा तो नहीं बोला, और शायद श्रीशांत वही करने वाला है कल, तो कल के दिन में हमें पता चलेगा क्या होता है। थोड़ा सा आज के एपिसोड में बिग बॉस स्टार्ट हुआ है ऐसे लग रहा है, सुरभि की एंट्री से थोड़ा सा बिग बॉस की हवा बदल जाएगी, बाहर की चीजें पता चली है सबको, और सब अभी सलमान के आने से भी थोड़ी चीजें बदल गई है। सलमान ने दीपिका को ज्यादा अच्छी अच्छी बातें सुनाई है, करण ने भी दीपिका को अच्छी बातें सुनाई है, तो सबको दीपिका से गुस्सा है। और नेहा के बारे में भी अभी रोमिल और सुरभि में से कोई तो बोलेगा कि नेहा ही भी थोड़ी सी पॉजिटिव ही दिख रही है, आप लोगों से ज्यादा पॉजिटिव दिख रही है, तो नेहा से भी सब लोग जल सकते हैं। सृष्टि तो पहले से ही इनसिक्योर है दीपिका और नेहा से, सुशांत को अपनी अपनी गेम सुधारनी चाहिए। अगर सुरभि उसकी रियल फैन है तो उसको बोलना चाहिए कि वो हर एक चीज स्पोर्टिंगली कैसे ले, वैसे तो सुशांत किसी की बात नहीं सुनता और ना ही सुनेगा, वो सब लोगों को उसका बेबी सिटिंग करने का ही बहुत बड़ा टास्क है, करणवीर दीपिका बहुत लोगों को। और सोमी आज एक बहुत अच्छी चीज बोल देती है दीपिका को कि आपको ऐसे क्यों लगता है कि आपको ही उसे समझाना चाहिए, तो दीपिका बोलती है मैं ही उसके पास हूँ, मैं ही उसकी नियरेस्ट हूँ, ऐसा नहीं है एक्चुअली, दीपिका को ऐसे लगता है। शीशांत को कोई भी समझाएगा तो वो नेक्स्ट टाइम ऐसे ही करेगा, कोई भी समझाएगा, लेकिन बहुत बार दीपिका ने उसको रोका है, तो सुशांत को दीपिका के ऊपर गुस्सा होने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत बार उसने गलती करने से रोका है सुशांत को। ऐसे था आज का एपिसोड, कल के एपिसोड में कौन कौन नॉमिनेट होने वाला है ये हमें पता चलेगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, बाय।